जंग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री का किया गया जबरदस्त स्वागत, पीएम ने ट्वीट कर जताया आभार। रामपुर में घरेलू विवाद के चलते युवक ने लगाई खुद को आग, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। बुलंदशहर में शराब के नशे में धुत युवक ने चलाई गोली, गोली लगने से लैब टेक्नीशियन की हुई मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुराने विवाद में दबंगों ने की युवक की पिटाई, अधमरी हालत में युवक को गाड़ी से फेंका, स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, जहां पर भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। अब आज से ही पीएम मोदी अपनी बैठकों में जुट जाएंगे, जिसमें पहले दिन कई कंपनी के CEO से मुलाकात भी होनी है। ऐसे में कोरोना संकट के समय में बीच में पहली बार पीएम मोदी की कोई बड़ी ये विदेश यात्रा हो रही है। बता दें, आज सुबह करीब 3:30 बजे जब पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे, तब वहां भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। ऐसे में पीएम मोदी ने सभी का शुक्रिया किया, साथ ही ट्विटर पर तस्वीरें भी साझा की। आज बता दें, प्रधानमंत्री की कई अहम मुलाकातें होने वाली हैं। इस दौरान वो कई कंपनी के CEO से मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन पहुंचे, तो भारतीय समुदाय, भारतीय मूल के लोगों ने किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया। बस्ती के नगर खास गांव की महिलाओं ने गांव में जल जमाव और धान की फसल बर्बाद होने को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर महिलाओं ने घेराव किया। साथ ही जिलाधिकारी बस्ती को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें ये मांग की गई कि तत्काल अधिकारियों को भेजकर गांव का पानी बाहर निकाला जाए और खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। वहीं महिलाओं ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में पानी भर जाने की वजह से डर लगता है कि हमारे बच्चे कहीं पानी में गिर जाएं और कोई आपदा घटना ना हो जाए। ऐसे में महिलाओं ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी सहित उप जिलाधिकारी बस्ती सदर को कई प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग दौड़ दौड़ कराते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं की जाती है। खाने वाला सब, सुनने वाला कोई नहीं, तो क्या करें? कौन है हमें सुविधा लगा पाए? हम लोग खाली दौड़ रहे हैं, 4 महीना हो गया, कौनो सुनवाई नहीं, न नियक बाल, न पटवारी, न केहू, न केहू कौनो चीज में केहू का साथ है, नहीं दिया पर ना दियक कर, सब पानी में ढकेल के, कौनो व्यवस्था ही नहीं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यह है, पानी भरल बा, हां ये लाइकन का परेशानी बा, हमन के खाए के परेशानी, परेशानी है बा, व्यवस्था नहीं बा, खेती बाड़ी उतना नहीं बा, पानी भरल है जो कोई को बा, तब ना नहीं होत बा, मिर्गी दिए बा, के ना कमाई, छोट लड़कन के देर पहले रोजी रोजगार नहीं मिलत है, बाढ़ आई बाटे घर के किनारे, बच्चन के भी दे रहे पूरे को धान, जो धान बही गए बुरी गए, तो प्रशासन द्वारा कुछ दे जात बा कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कौनो चीज नहीं, जो सुनवाइए नहीं बा। का समस्या है माता जी? अब समस्या ये है कि गांव बुढ़त बा, पुल नहीं खुलत बा, पुल खुले चाहिए, और का बोलते हैं बच्चे लोग के परेशानी बा, खाए पिए के कौनो चीज के सुविधा नहीं बा, हमन पचन के बहुत परेशानी बा। तभी हम लोग इसलिए हैं कि हमारी फसलें जो है 1-2 साल डूब रही है, ना तो उसमें धान हो रहा है और ना गेहूँ, पानी से भर गया है, ना तो कहीं निकलने का जगह है, पानी का बांध रोक दिया गया है, और फिर हमारे खाने के लिए हम लोग बहुत मुस्ताद हैं, परेशान हैं, दोनों फसलें डूबी जा रही हैं। प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा वजा दिया गया आप लोगों को? प्रशासन द्वारा कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं।
बाराबंकी में सहारा इंडिया ने से अपनी मेहनत मजदूरी की जमा पूंजी वापस न मिलने से निवेशक काफी नाराज हैं। निवेशकों की नाराजगी अब सहारा इंडिया के बैंक कार्यकर्ता पर उतरने लगी है, जिससे कार्यकर्ता काफी परेशान हैं। दरअसल बता दें, जिले से काफी संख्या में इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने जन कल्याण किसान एसोसिएशन के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को एक ज्ञापन सौंपा और निवेशकों का पैसा दिलाए जाने की मांग की है। सहारा इंडिया के एजेंट राकेश पंडित ने बताया कि पेमेंट को लेकर पिछले 8 सालों से काफी समस्या है। पार्टी लगातार एजेंटों को पेमेंट करवाने के लिए परेशान कर रही है और किसी जमाकर्ता के यहाँ शादी है तो किसी को कुछ काम है तो कुछ जो लोग हैं वो इस कोरोना काल में मर भी गए हैं, पर फिर भी बैंक पेमेंट नहीं कर रहा है, जिससे परेशान लोगों ने अब ये एक ज्ञापन सौंपा है। देखिए, आज सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर के हम अपने संगठन के साथ, देवा शाखा के वर्करों के साथ, यहीं पर हमारे मसौली के शाखा के कुछ सद्दीपुर शाखा के मसौली शाखा के कुछ वर्कर भी मौजूद हैं, तो उनके साथ हम लोग अपनी पीड़ा, आमजन की पीड़ा है, हमारी व्यक्तिगत कोई पीड़ा नहीं है, ये आमजन की पीड़ा है। करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए हम अपने संगठन जन कल्याण किसान एसोसिएशन के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि विगत 7 वर्षों से सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का एक भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। अब अंदर की बात सरकार और सहारा की कुछ भी हो, हमसे यह मतलब नहीं है, परंतु हम ये जानते हैं कि हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं, हजारों की बेटियों की शादी रह गई है, हजारों लोग इलाज के कारण मर चुके हैं, लेकिन सहारा का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उनके पास 2 मंत्र केवल है। एक मंत्र उनका है कि सरकार हमारे खातों पर रोक लगाई है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, और दूसरा है कि कन्वर्जन कराते रहिए, खाता बदलते रहिए। जब खाता बदला जा रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में जमा किया जा रहा है, मैं प्रश्न करता हूँ सरकार और सहारा दोनों से। पेमेंट को लेकर 8 सालों से बहुत समस्या है, पार्टी परेशान कर रही है, जिसके यहाँ शादी है शादी नहीं हो पा रही है, जमाकर्ता कुछ हमारे मर गए, हम लोग को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हम लोग क्या करें, मर जाएं, आत्महत्या कर लें। सबसे बड़ा गुनाह हम लोग का यही है कि जो सारा इंडिया में काम किया हम लोगों ने, जितनी हम लोग की इज्जत थी सब आज धो गई, एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। तारीख पे तारीख, जब जो कोई जमाकर्ता जाता है उसको तारीख पे तारीख दी जाती है। हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि जो इज्जत बनी थी सब खो गई हम लोगों की, और आज तक भी कुछ नहीं हो पा रहा है पेमेंट के बदले। मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित है कि कभी कभी दिल में यही आता है कि अपनी आत्महत्या कर लें। वहीं बिजनौर में कृषि कानून बिल के विरोध को लेकर जहां भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो वहीं कृषि कानून बिल के विरोध में राकेश टिकैत दूसरे प्रदेशों सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में का दौरा भी कर चुके हैं। इस कानून को लेकर बिजनौर के रसीदपुर गढ़ी में राकेश टिकैत किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे। ऐसे में राकेश टिकैत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक गन्ने का दाम क्यों नहीं बढ़ाया गया है, जब गन्ने का दाम बढ़ जाएगा तब हम बताएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के लोग अब जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिजनौर के स्वाहेड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा के दौरान किसानों के गन्ने के पेमेंट को लेकर कहा है कि जल्द ही गन्ने का पेमेंट बढ़ाया जाएगा, और कृषि कानून बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लगातार जिले में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई ज्यादा लंबा कहां चलेगा आंदोलन, आप छोटे प्रेस से बड़े में जाना चाहो, छोटे शहर से बड़े शहर में जाना चाहो, किसी का 4 कमरों का मकान है उसे 10 का चाहिए, किसी का 2 बीघे जमीन है उसे 100 बीघे चाहिए, छोटा फार्म बड़ा हो चाहिए, छोटी मोटरसाइकिल उसे बड़ी चाहिए, आंदोलन छोटा कैसे हो जाएगा, आंदोलन भी बड़ा ही होगा। ये अगर किसी पार्टी की सरकार होती, ये सरकार अगर बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वह बातचीत करती। सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती है फाइनेंस करके। चलो जब जुड़ जाएंगे, और 10 महीने और इंतजार कर ले, जुड़ जाएगा पूरा देश, जुड़ जाएगा इनका पूरा इलाज हो जाएगा 10 महीने में, और जुड़ जाएगा, कोई बात नहीं।
बुलंदशहर के सयाना कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक युवक ने से अवैध तमंचे से गोली चल गई और ये गोली चांदपुर चुंगी पर स्थित ब्लड टेस्टिंग लैब में काम कर रहे लैब टेक्नीशियन मनीष को लग गई। वहीं गोली लगने से लैब टेक्नीशियन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में पुराने विवाद के चलते गांव के ही दबंगों ने युवक को जबरन गाड़ी में डालकर बंधक बनाकर मारपीट की। वहीं पिटाई के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को अतमरी हालत में गाड़ी से फेंक कर दबंग मौके से फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ युवक का इलाज चल रहा है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है, जहाँ पर दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की, साथ ही अतमरी हालत में युवक को गाड़ी से फेंक दिया गया और उसके बाद पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। मौके पर जो लोग थे उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर जो है पुलिस को जानकारी दी और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा के वृंदावन कोतवाली के सामने दो लड़कियों में जमकर हाथापाई का मामला सामने आया है। दरअसल जहां एक लड़की दूसरी लड़की को खींचते हुए थाने ले गई, युवती का आरोप है कि उसका पति उसे छोड़कर प्रेमिका के साथ रह रहा है और काफी लंबे अरसे से पत्नी पति और उसकी प्रेमिका को तलाश कर रही थी। काफी ढूंढने के बाद पति की प्रेमिका पत्नी के हत्थे चढ़ गई और दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पत्नी की शिकायत पर पुलिस से मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। तो मथुरा का पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक पत्नी अपने पति और प्रेमिका को काफी समय से ढूंढ रही थी, जिसके बाद जब मिल गए दोनों तो दोनों युवतियों के बीच में जमकर मारपीट हुई। हालांकि अब पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, आरोपी पति को ढूंढ रही है, हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही मामले की छानबीन की जा रही है। ये मेरे पति के साथ रह रही थी 1.5 महीने से और मेरा पति मुझे छोड़ के जा चुका था, इसी के साथ घूम रहा था, रह रहा था। तो मैं इसे खींच के लाई, पुलिस ने मेरे पति को अरेस्ट किया और मैं 1.5 महीने से परेशान घूम रही थी कि ये लोग कहाँ रहे, मतलब इनका चल रहा है कई महीनों से, पर मुझे अभी 1.5 महीने से पता चला, तब से दोनों भागे हुए थे। आपका पति आपके घर मतलब घर नहीं आता है? नहीं आता है 1.5 महीने से। हाँ 1.5 महीने से एकदम खर्चा पानी सब बंद कर दिया। फिर आपने अपने ससुराल वालों से किसी से पूछा है पति कहाँ है आपका? सबसे पूछा, किसी को नहीं पता, सब इसी के खिलाफ है। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक बाबू राम पासवान ने अपने क्षेत्र में कराए गए 4.5 साल के विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को गिनवाया है। उन्होंने 4.5 साल में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए, तो वहीं 60 करोड़ विधायक निधि से खर्च कर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में 400 मजरों का विद्युतीकरण कराया गया है और अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बने पुलों का निर्माण कार्य और 171 करोड़ से ज्यादा की लागत से 262 सड़कें जो 404 किलोमीटर पर बड़ी उपलब्धि है। वही बता दें शुद्ध पेयजल योजना के अंतर्गत 7 गांवों में वाटर टैंक जो चालू हो चुके हैं और 11 गांवों में पानी की टंकियां बनकर तैयार होने वाली है। सबका मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्ष पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में हमने जो फूलपुर विधानसभा में विकास कार्य किए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के सामने अपनी उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियों के बारे में आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले विकास कार्यों में हमने विधायक निधि से 6.91 करोड़ से 211 कार्य कराए विकास कार्य, और पूर्वपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो भाजपा का एजेंडा था चुनावी, उसमें 13,783 किसानों का 72.53 करोड़ से अधिक का
कर्जा मुक्त किया गया है। 404 किलोमीटर नई लाइन जो अच्छी बिजली की ओर डाली गई और 262 सड़कें 171 करोड़ 74 लाख की बनवाई गई। रामपुर में घरेलू विवाद के चलते शाहबाद में एक युवक ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कई दिनों से घर में युवक का परिवार के लोगों से किसी बात को लेकर आपसी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद युवक ने डीजल छिड़क कर खुद को आग के हवाले कर दिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पुलिस इस मामले में अब आगे की कार्रवाई करेगी। अरे साहब, वो बने मतलब ये दोनों आदमी लड़ते थे, दादी ने आग लगाई थी, दोनों ने आग लगाई। अच्छा। और मतलब हम तो अलग थे यार, वो अलग थी, वो मतलब अपने बचाने के लिए हमारे ऊपर धर रहे हैं। अच्छा, तो किसके घर में मौत हुई बेटी की? तो वो अपने अलग घर में ही ना, घर अपना ही था बिल्कुल, तो अलग कमरा बाग अलग हूँ। क्या काम करते थे बेटा आपका? वो ट्रैक्टर चलाते थे। मुझे मतलब दोनों बाप बेटे में लड़ाई हुई, मतलब दारू पी के आए मुझे गाली दे रहे। मैंने कहा उनसे कि तुम्हारे पिताजी मुझे गाली दे रहे हैं, तो मतलब उनने कहा कि मुझसे कह लो पर उससे मत कहना कि तू कौन होता है, मतलब मैं तो तुझे भी दूंगा उसे भी दूंगा। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब ये जो कह रहे हैं, मतलब परसों काम पैसे आए बिलारी से, तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये पैसे सब अपनी पत्नी के खाते में डालता है और मुझे नहीं देता है। सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने में जुटी हुई है और हर तरफ इस बात का ऐलान भी खूब करती नजर आती है। उत्तर प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दावा करने वाली योगी सरकार दरअसल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। अधिकारी सरकार की योजनाओं और सुविधाओं पर सट्टा लगाते नजर आ रहे हैं। वैसे तो सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार की खबर आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी सुविधाओं को जब पलीता लगाया जाता है तो क्या फिर होगा। ताजा मामला कानपुर देहात के जिला अस्पताल में भर्ती महिला का है, जहां पीड़ित के जेठ अमित का आरोप है कि लैब में मौजूद डॉक्टर ने पहले अल्ट्रासाउंड का पर्चा लेने से मना कर दिया, फिर बाद में डॉक्टर ने कहा कि 100 रुपए दो तो अल्ट्रासाउंड करा देता हूँ। मजबूर होकर और जरूरतमंद लोग ने 100 की जगह 50 देने को तैयार हो गया, लेकिन लैब में मौजूद एक कर्मचारी की माने तो भ्रष्टाचार की कसम खा रखी थी उसने, और उसने पीड़ित अमित से 100 रुपए देने की बात कही और कहा कि बिना 100 रुपए के अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। ऐसे में अस्पताल के कर्मचारी की तरफ से 100 रुपए की घूस मांगे जाने पर पीड़ित ने अपने मोबाइल से सरकारी कर्मचारी का वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बात ही बात में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 100 रुपए की लेन देन की प्रक्रिया पीड़ित के मोबाइल में कैद हो गई, जिसके बाद पीड़ित ने महिला विभाग की CMS वंदना सिंह से लिखित में इसे पूरे प्रकरण की शिकायत की है। शिकायत करता को बुलाकर मैं स्वयं अभी बात करूंगी, उससे लिखित रूप में भी लूंगी और साक्ष परफेक्ट साक्ष मिलने के बाद न्यायोचित कार्रवाई होगी। मामला जांच करवाना था, फिर क्या अल्ट्रा बंद किए गए थे तो वापसी नहीं किया, हमें कला ना पटवा ना ₹100 लेते हैं सर। कौन मांग रहा था 100 रुपये आपसे? वैसे जो डॉक्टर बैठते हैं जैसे। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ ब्लॉक के पलिया में पूर्व प्रधान के बिना काम पूरा कराए ही लाखों का भुगतान कराने का मामला सामने आया है। दरअसल इस गांव में सड़क और ओपन जिम निर्माण का काम सरकारी दस्तावेजों में तो पूरा हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कराया गया। ऊपर से मिली भगत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि बिना काम कराए ही अधिकारियों ने भुगतान भी कर दिया है। इस घोटाले का ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर अब ने बताया है कि बीते साल में पूर्व प्रधान को कई ऐसे कामों का भुगतान सरकारी मद से किया गया है और जो गांव में कराए ही नहीं गए, लेकिन सरकारी रजिस्ट्रों में वो काम पूरा दिखाया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब जिलाधिकारी दीपक मीणा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आ चुका है, इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बात अभी संज्ञान में लाई गई है कि इस टाइप की शिकायत आई है कि इस गांव में कुछ कार्य करवाया गया और जिसका भुगतान हो गया और वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको हम चेक करवा लेते हैं और अगर कहीं भी किसी भी चीज़ में अनियमितता पाई जाएगी तो फिर कार्रवाई की जाएगी।
महोदय, ये मामला ये है कि ये यहाँ पर जो है ये जब बन रहा था तो हम ग्राम पंचायत वासियों को ये पता नहीं था कि ये क्या बन रहा है। तो उसके बाद में जब ये बनके कंप्लीट हुआ 2020 में, तब हमने जब इसका पेपर खंगाला तो पेपर में हमने पाया कि ये जो है ओपन जिम शेड है, जिसका 4,76,700 कुछ रुपया निकाला गया। उसके बाद जब हमने इसका कंप्लेन किया तो वर्तमान प्रधान के द्वारा इसे रंगाई पुताई कराना शुरू कर दिया गया। 8 तारीख को ये रंगाई पुताई कराना चालू कर दिए। और इसकी जब हमने शिकायत किया IGRS माध्यम से, तो उस पर जो है अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। और उसके बाद जो है इस पर जब हमने अधिकारियों से बात किया तो अधिकारी ने कहा कि जो एस्टीमेट के हिसाब से काम हुआ है। महोदय, मैंने इसके जांच किया, जांच के बाद मैं जो है इसके लिए जो है लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल अभी ADO ISB साहब आए थे तो उन्होंने रिपोर्ट दिया हमको कि जो है अभी तीन दिवस के अंदर इस पर हम रिपोर्ट लगाएंगे। पूर्व प्रधान द्वारा इस खड़ंजे का फर्जी भुगतान करा लिया गया, जबकि यहाँ रास्ता बना ही नहीं। और उसकी शिकायत जब हम लोगों ने IGRS के माध्यम से किया तो खंड विकास अधिकारी नौगढ़ द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगा करके हम लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। उसके बाद जब हम लोगों ने पुनः रिमाइंडर डाला तब उनके द्वारा यह रिपोर्ट लगाया गया कि वहाँ पर मौके पर ईंट गिरा हुआ है, लेकिन यह ईंट जो गिरा हुआ है JK मार्का का है, जबकि इसमें जो बिल वाउचर लगा हुआ है वो दलवीर सिंह भट्टा नगवा का बिल लगा हुआ है। BOK उसका मार्का है, जबकि इसका मार्का JK है। और इसी तरह फर्जी भुगतान करा करके उन लोगों का ब्लॉक की मिलीभगत से पूरा पैसा निकाल कर खा लिया। श्रावस्ती के सोनवा थाना क्षेत्र में 2 साल की मासूम बच्ची बांस की झाड़ियों में रोती हुई मिली थी। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने बाबा के साथ बाहर गई थी और थोड़ी देर बाद वह अचानक लापता हो गई। बच्ची के परिजनों ने उसकी बहुत खोजबीन की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। रात में कुछ लोगों को बच्ची के रोने की आवाज झाड़ियों से सुनाई दी, जिसके बाद लोगों ने बच्ची को झाड़ियों से उठा दिया और परिजनों को मामले की जानकारी दी। परिजन उसको अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि बच्ची ने रास्ते में ही तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक बच्ची के गालों पर दांतों के निशान बने हुए थे। परिजनों ने पहले ही हत्या की आशंका जताई थी। ऐसे में SP अरविंद कुमार मौर्य ने कहा है कि परिजनों की तहरीर पर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। वहीं मासूम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो गया है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद हत्या की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे अपराधी ऐसे जघन्य वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं, जिसकी गिरफ्तारी करने में पुलिस भी के भी पसीने छूट जाते हैं। थाना सुनवा क्षेत्र में एक 2 वर्षीय बच्ची का शव बरामद हुआ था, जिसका PM कराया गया था। स्ट्रैंगुलेशन आने के बाद परिजनों के द्वारा एक व्यक्ति को नामित करके तहरीर दी गई, जिसके आधार पर उचित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमें लगा दी गई है। सहारनपुर सदर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 14 तारीख से लापता विनय की हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। पुलिस की माने तो आपसी झगड़े और पैसों के लेन देन पर इन 3 युवकों ने विनय की हत्या की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। ऐसे में SP City श्री राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 14 तारीख को एक लड़का थाना सदर बाजार क्षेत्र से गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी 16 तारीख में रामपुर थाना क्षेत्र में मिली थी। बाद में फिर उस लड़के की पहचान हुई विनय नामक लड़के के रूप में। उसमें थाना सदर बाजार में तत्काल उसमें अभियोग हत्या का लिखा गया। हत्या में जो 3 अभियुक्त शामिल थे, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल उनकी निशादाही पर बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे जो वजह आई है, इसमें से जो 3 अभियुक्त में 2 अभियुक्त हैं, दोनों की अपनी अपनी वजह थी। दोनों का मृतक विनय से झगड़ा हुआ था, पैसे का भी लेन देन था। इसी को लेकर इन्होंने अपना एक योजना बनाकर उसको बहका के ले गए और वहाँ पे फिर बियर वियर साथ में पी और फिर उसकी चाकू से हत्या करके नहर में उसकी लाश को फेंक दिया था।
मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली एक महिला शहजादी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि साल 2013 में दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम हिंसा के दौरान शाहजहांपुर के रहने वाले युवक को मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बंधक बनाया गया था, जिसे उसी दौरान जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। पिछले 7-8 सालों से धर्मांतरण कराने वाले लोगों की तरफ से युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस पूरे मामले का पड़ोस की रहने वाली शहजादी नामक महिला को जब जानकारी मिली तो शहजादी की तरफ से पूरे मामले की जानकारी हिंदू जागरण मंच के लोगों को दी गई, जिसमें हिंदू जागरण मंच के लोगों ने तुरंत पूरे मामले को सूचना थाना सिविल लाइन में दे दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।